बूंदी में दुष्कर्म के मामले में न्याय की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ी महिला खुद पर केरोसिन छिड़क कर आग लगाने की थी धमकी। बूंदी जिले में न्याय की मांग को लेकर एक महिला के टंकी पर चढ़ने का मामला सामने आया है। महिला खुद पर केरोसिन डालकर आत्मघात की धमकी दे रही है। बूंदी में अपहरण और दुष्कर्म के एक पुराने मामले में न्याय नहीं मिलने से परेशान होकर पीड़ित महिला टंकी पर चढ़ गई। मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित महिला टंकी पर चढ़कर खुद पर केरोसिन डालकर आत्मघात की धमकी दे रही है। साथ ही महिला लाखेरी पुलिस उप अधीक्षक के खिलाफ नारेबाजी की। महिला का आरोप है कि उसे अपहरण और दुष्कर्म के मामले में न्याय नहीं मिला, इसके चलते वह पानी की टंकी पर चढ़कर न्याय मांग रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल ने माइक के जरिए अनाउंस करके महिला से टंकी से नीचे उतरने की अपील की। पीड़िता के अनुसार परिवारों को बलात्कारी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी। पीड़िता जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ी। पानी की टंकी पर चढ़ी महिला पर पुलिस व स्काउट गाइड द्वारा की गई अपील। टंकी से नीचे उतरने की स्काउट गाइड द्वारा की गई अपील से महिला उतरी पानी की टंकी से नीचे। महिला को पानी की टंकी से नीचे उतरते देख पुलिस ने ली राहत की सांस। करीब डेढ़ घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। SDM ललित गोयल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल, पुलिस उप अधीक्षक धर्मेंद्र शर्मा कोतवाल, सहदेव मीणा मौके पर रहे मौजूद। बूंदी राजस्थान से रवि गौतम की रिपोर्ट। जो भी नई उचित कार्रवाई प्रकरण में होगी उसी जाएगी। अभी महिला से बात करेंगे, उसके बाद में